प्रेम, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। यहाँ प्रेम चोपड़ा साहब ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना झंडा लहराया और आज 60 साल हो गए। प्रेम साहब प्रतीक हैं डेडिकेशन, डिवोशन और डिसिप्लिन के। प्रेम चोपड़ा शख्स एक, लेकिन अपने आप में कारवां है। वो पत्नी के लिए एक अच्छे पति, बच्चों के लिए एक अच्छे पिता, भाइयों के लिए एक अच्छा भाई, दोस्तों के लिए एक अच्छा दोस्त और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के लिए एक बहुत नफीस और उम्दा लिखा। प्रेम से मेरी मुलाकात 1956 या 1957 में सेठ चंदूलाल शाह जी के स्टूडियो, रंजी स्टूडियो दादर में हुई। मिलते रहे, फिर फिल्म में साथ हुआ मोहन सहगल साहब की डॉक्टर विद्या में। फिर वो कौन थी, फिर केवल केशव साहब की शहीद, वो कौन थी और शहीद, हम दोनों के लिए बहुत किस्मत वाली फिल्में थी। फिर प्रेम चोपड़ा साहब ने जो मेरी फिल्म उपकार में काम किया तो इंडस्ट्री में उनकी फनकारी का झंडा लहरा गया और आज तक लहरा रहा है। मैं आशा करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ कि ये 50-60 साल और चले। हेलो प्रेम, 18 साल तुम्हारी उम्र है, क्यों झूठ बोल रहे हो कि तुम्हें 60 ईयर्स हो गए हैं? अरे मैं तेरे दिल को अच्छी तरह जानता हूँ, दिल वाले इंसान हो तुम। पर यार ये 60 साल 60 लम्हों की तरह गुजर गए। अब साथ भी कम होता है, नहीं तो रोज़ साथ रहते थे हम लोग। आई मिस यू डार्लिंग एंड आई ऑलवेज प्रे फॉर योर गुड हेल्थ। यू आर ए गुड सोल, गुड ह्यूमन बीइंग एंड यू नो हाउ मच आई लव यू। I pray another 60 year for you. I think should be a little more, huh? Make it more with your strength, okay? एक किस्सा तो मैं कहना चाहूँगा। जब शुरू में हमारी मुलाकात इतनी हम लोग घुले मिले नहीं थे, याद है वो टेबल लैंड, फिर हमारी शूटिंग हो रही थी पॉकेट मार की और मुझे वो जीप के साथ घसीटा जा रहा था। मैंने सिर्फ इतना सा लेदर पहना हुआ था और तुमने मेरे भाई, मेरे कज़न को कहा था कि यार ये क्या कर रहे हैं अंदर में, इनको बोलिए, ये इनके चेहरे पे लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने शॉट देके आया तो मेरा भाई मुझे कहने लगा कज़न के, यार वो ऐसा मत करो प्रेम। मैंने किसने कहा था प्रेम चोपड़ा कहते हैं कि ये इस तरह क्यों घसीटे जा रहे हैं, अच्छा नहीं है, उनको फेस पे लग सकती है। तो मेरी हंसी आ गई थी क्योंकि उसके बाद मुझे आपको घसीटना था, है ना। फिर आपने भी शॉट दिया, लव यू। एक आध दफ़ा मैंने थोड़ी पिला भी दी तुम्हें ज़्यादा, उसके लिए भी मैं माफ़ी नहीं मांगूँगा। खाना पीना तो मजा आता है ना। लव यू ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू। प्रेम चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा को मैं तकरीबन 50 साल से जानता हूं। हम दोनों एक ही बिल्डिंग में रहा करते थे, कुलावा में, उषा सदन, और हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, पर इतना जरूर पहचानते थे कि हम दोनों एक्टर हैं और दोनों प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रगल कर रहे थे उस जमाने में। ऐसा हुआ कि जब भी वो मुझे नीचे देखे कंपाउंड में और मैं उसे देखूं तो ऐसा बिहेव करते थे कि हम दोनों बहुत बिजी है, फटाफट जो हमारी गाड़ियां थी वो इंस्टॉलमेंट में थी उसमें बैठकर ऐसे बाहर निकलते थे जैसे हम बहुत बिजी किसी शूटिंग पे जा रहे हैं। हालांकि हम दोनों महीने में 32 दिन बेकार थे। एक दिन ऐसे ही दोनों बाहर निकले तो दोनों फेमस में जब
सब फिल्म प्रोड्यूसर्स के वहाँ ऑफिस हुआ करते थे, तो हम दोनों एक दूसरे को टकराए, फिर खूब हंसे एक दूसरे को देख के कि तू भी वेला मैं भी वेला हूँ, दो दो गाड़ियाँ निकलती है। तो उस दिन से हमारी दोस्ती बहुत घनी हो गई, जब हम दोनों ने डिसाइड किया कि स्ट्रगल करेंगे दोनों साथ में निकल कर करेंगे, तो इस तरह हमारी दोस्ती शुरू हुई। प्रेम एक बहुत बेहतरीन फाइन एंड ए वेरी डेडिकेटेड एंड ए ट्रूली हार्ड वर्किंग एक्टर, एंड दैट इज व्हाई इसीलिए वो फिल्म लाइन में इतने साल सरवाइव किया है। फिल्मों में काम किया उन्होंने और इतने मजे हुए इंसान थे, और अपने करेक्टर को टेकओवर करने में और उसको समझने में पूरा डूब जाते थे, और इतने विश्वास के साथ काम करते थे कि वो खुद हमको महसूस होने लगता था ये वही करेक्टर है जो हमारी कहानी का है। प्रेम चोपड़ा लगते ही नहीं थे उसमें, और ये उनकी सक्सेस का कारण। इतना डूब के जब आप इंसान उस करेक्टर में ढल जाता है जो कहानी का करेक्टर है, तो फिर वो परफॉर्मेंस भी कमाल लगता है और वो तरक्की भी बहुत करता है। सो बड़े दिल से काम करते थे, इनको एक एक छोटी छोटी चीज़ का इतना ख्याल, ए मेरे बाल कैसे होंगे, इसमें विग कैसी होगी, इसमें ऐसा करेंगे, इसमें ऐसा करेंगे, वो इतना कॉन्शियस थे। फिर जब कैमरे के सामने रेडी होके आते थे तो फिर कैमरे के साथ खेलते रहते थे। 60 साल का सफ़र उन्होंने तय किया है, तो एक बहुत लंबी उम्र होती है, और आज भी इज़ वेरी वेरी एक्टिव, हर साल में उनकी 10-12 फिल्में आती हैं। जी क्या देखिए, हीरो भी कम थे तो विलन भी कम थे, तो विलन तो क्या फिर सारे पिक्चरों में काम कर सकता है, और हीरो तो फिर हीरो की फिल्म में काम करेगा, तो इनको ज़्यादा पिक्चरें करने का चांस मिला। तो उन्होंने बहुत फिल्में की लोगों के साथ, किस किस एक्टर दिलीप साहब के साथ से लेके आगे तक नीचे था, आज भी फिल्में करे जा रहे हैं। तो बिकॉज इज वेरी गुड परफॉर्मर और बड़े लगन और मेहनत से काम करते हैं, इसलिए प्रोड्यूसर लोग भी खुश रहते हैं। पैसे के बारे में आज तक उनके मैंने कहीं नहीं सुना कि उन्होंने किसी से झगड़ा किया हो, या उनका पैसा मिला नहीं हो, या उनको पैसा दिया नहीं लोगों ने। ही इज़ वेरी वेरी कंसिडरेट, वेरी नाइस मैन। जगदीप प्रेम चोपड़ा साहब तो मेरे से सीधे भी हैं, मैं ज़्यादा सीधे इसलिए नहीं बोलता हूँ कि वो बुरा मान जाते हैं कि उनको अगर बोल देना 50-60 के हो गए, अब तो खुद ही फंस गए कि 60 साल के उन्होंने लिख दिया कि मैं 60 साल का हो गया इंडस्ट्री में। ये तो वैसे उनकी उम्र 40-45 से आगे नहीं जाती, कभी भी नहीं जाती। मैंने बोला किताब में आपकी उम्र इतनी है, मैं नहीं यार वो गलती से लेट हो गया यार। तो एनी वे इज़ अ वेरी जोवियल फेलो। प्रेम चोपड़ा साहब एक ऐसे इंसान है, उनकी सबसे बढ़िया खूबी जो मुझे लगी कि वो अपने ऊपर भी जोक क्रैक करते, और चूँकि मुझसे सीनियर थे, उनके साथ मैंने काम किया, और बड़े हैंडसम आदमी थे, देखने भी अच्छे थे, खूबसूरत थे, परवर भी अच्छा था, तो एक्टर भी लगते थे वो, फिर उन्होंने काम भी अच्छे अच्छे किए, और मैंने जो उनके साथ काम किया जो पिक्चर में, तो मुझे कुछ चीज़ें याद हैं। एंड वो तो सभी बोलेंगे प्रेम चोपड़ा साहब कमाल के आदमी हैं, मैं कमाल के आदमी तो है ही हूँ। हम सब के अजीज आदरणीय प्यारे प्रेम चोपड़ा साहब, जिन्हें हम आदर और सम्मान से प्रेम जी कहते हैं, 23 सितंबर 1935 यानी कि 23 सितंबर 2017 को 82 बसंत कंप्लीट कर चुके हैं, और कंप्लीट हो गए हैं 60 साल एसोसिएशन के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ, जिसे अब बॉलीवुड कहा जाने लगा है। लेकिन जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, ग्लोरियस करियर बेहतरीन अदाकारी के साथ, और खूबसूरत आदमी थे, आज भी मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगा, प्रेम जी को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि मेरे सामने जब प्रेम चोपड़ा साहब आते हैं, तसव्वुर आता है उनका, तो दो गाने याद आते हैं, और दो गाने पेट्रियोटिक हैं, आइकॉनिक। दोनों गाने प्रेम चोपड़ा साहब के ऊपर पिक्चराइज हुए हैं, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, या फिर मेरा रंग दे बसंती चोला। प्रेम जी आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, खुश रहें,
आबाद रहें, मुंबई रहें या इलाहाबाद रहें, जहां रहेंगे प्रेम का चर्चा गूंजेगा। दो लाइनें आपके लिए, जब तक आंसू साथ रहेंगे मुझको याद किया जाएगा, जहां प्रेम का चर्चा होगा मेरा नाम लिया जाएगा। तो आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और आपका आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे, यही प्रार्थना। हाय, मेरा नाम है जश्न अग्निहोत्री। यू ऑल मस्ट हैव सीन मी इन द मूवी इंदु सरकार। Foremost, I'd like to congratulate Prem Chopra Sahab for completing 60 wonderful years in cinema. And to celebrate this moment feat, I'm going to dedicate a performance to him on 14th of December, ISKCON Auditorium, Juhu, in the esteemed presence of our very own Prem Naam Hai Mera, Prem Chopra. See you all.